चंडीगढ़ में क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक आज है और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आज एक बार फिर यह बैठक होगी। तो वहीं हरियाणा सचिवालय में कुछ ही देर में बैठक शुरू हो रही है। प्रधान सचिव वी उमाशंकर, ओएसडी जवाहर यादव बैठक लेंगे। वित्त विभाग के अधिकारी अनुराग रस्तोगी बैठक में मौजूद होंगे। तो सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हो रही है हरियाणा सचिवालय में, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधान सचिव वी उमाशंकर, ओएसडी जवाहर यादव बैठक लेंगे, कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। आपको बता दें, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आज एक बार फिर यह बैठक हो रही है और चंडीगढ़ में यह क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक है। सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आज एक बार फिर से यह बैठक होगी। लगातार जो क्लर्क हैं वो धरना दे रहे हैं और अपने वेतन वृद्धि को लेकर के धरना दिया जा रहा है। आज 22 दिन हो चुके हैं और आज एक बार फिर यह बैठक प्रस्तावित हुई है और अब से कुछ ही देर में क्लर्क की जो बैठक है वो हरियाणा सचिवालय में कुछ ही देर में शुरू होगी। साथ ही प्रधान सचिव वी उमाशंकर, ओएसडी जवाहर यादव बैठक लेंगे। वित्त विभाग के अधिकारी अनुराग रस्तोगी बैठक में मौजूद रहेंगे। वित्त विभाग के अधिकारी हैं अनुराग रस्तोगी और वो भी बैठक में इस दौरान मौजूद रहेंगे। 22 दिन हो चुके हैं क्लर्क के धरने को और लगातार क्लर्कों का यह धरना जारी है, जिसके चलते लोगों को खासा नुकसान जरूर हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल बने हुए हैं। रवि, देखिए, चंडीगढ़ में क्लर्क एसोसिएशन लगातार धरने पर है, ऐसे में आज एक बार फिर बैठक हो सकती है। पहले हुई बैठक बेनतीजा जरूर रही है, ऐसे में आज क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अब से कुछ ही देर में जो है वो क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है वो सरकार के नुमाइंदों की बैठक होगी और इस बैठक में खास तौर पर सरकार की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव और वित्त विभाग के एसीएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी जो है वो इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे और क्लर्क एसोसिएशन के डेलीगेशन के साथ जो है वो बैठक करेंगे। इससे पहले भी दो दौर की बैठक जो है वो हो चुकी है। आपको बता दें कि जवाहर यादव की अध्यक्षता में एक क्लर्क एसोसिएशन के डेलीगेशन की बैठक हुई थी, उसके बाद कुछ ही दिन पहले जो है वो एक बार तीनों ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन दो बैठकें जो है वो बेनतीजा रही और आज एक बार फिर से जो है अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है। इसी पर तमाम अपडेट लेंगे। हमारे साथ क्लर्क एसोसिएशन के भारतीय मजदूर संघ के पवन कुमार हैं, जो जोनल सेक्रेटरी भी हैं। सर, आज एक बार फिर से काफ़ी उम्मीदें होंगी, एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं और कहाँ तक जो है वो सरकार का प्रस्ताव आप देखते हैं? 19,900 से लेकर 35,400 का जो एक अमाउंट आपने फिक्स किया है बेसिक ग्रेड पे को बढ़ाने को लेकर। क्लर्क एसोसिएशन के हमारे सब प्रतिनिधियों ने मिलकर के अपनी मांग 35,400 रुपये स्केल की रखी है, जो एक जस्टिफाइड मांग है, क्योंकि इनके जो समकक्ष के बाकी कर्मचारी है, JBT हो, MPW हो या अन्य विभाग के कर्मचारी हो, उनका स्केल सरकार पहले से ही 35,400 दे रही है। जहाँ तक इसका संबंध है कि क्या हो सकता है, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार क्या प्रस्ताव लेकर आती है। अगर सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आएगी तो उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, किंतु अनुमान लगाना ये एक बड़ा मुश्किल काम है सरकार का, क्योंकि सरकार के ओर से ACS वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव जो वित्त विभाग के अधिकारी वो बैठेंगे, उमाशंकर जी होंगे, राजनीतिक दृष्टि से जवाहर यादव जी होंगे, तो इसलिए ये कहना, अनुमान लगाना कि सरकार क्या कह सकती है, सरकार क्या, क्योंकि सरकार तो पिछली बार एक ही बात कर रही थी कि 19,900 जायज। अगर 19,900 का स्केल जायज होता तो इतनी बड़ी मात्रा में हड़ताल नहीं होती। और आज हमको भी इस बात का कष्ट है कि पूरे हरियाणा का काम पैरलाइज हुआ है, सरकार भी प्रभावित है, जनता भी प्रभावित है और हम भी प्रभावित हैं। इसलिए इन तीनों की समस्या का समाधान हो, मैं ये विचार करता हूँ कि ऐसा सकारात्मक प्रस्ताव लेकर के सरकार आएगी, सरकार ने सोचा ही होगा। सकारात्मक प्रस्ताव आने के बाद हम उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया सरकार को देंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि 19,900 से लेकर 35,400 के बीच का यदि कोई भी अमाउंट जो है वो सरकार की तरफ से उस अमाउंट को लेकर प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर जो है वो विचार विमर्श किया जा सकता है, सहमति असहमति जताई जा सकती है। जब सरकार कोई प्रस्ताव लाएगी, एक बात तो निश्चित है कि हम सरकार की प्रस्ताव को
उसकी गुणवत्ता के आधार पर, मेरिट के आधार पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, यूनानिमस विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने एकदम कुछ बताया और हमने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, हम सब के हितों की देखते हुए निर्णय करेंगे, किंतु सारा कुछ इस पर निर्भर करेगा। अगर सरकार जैसे पिछली बार कह रही थी 19,900 का स्केल जायज है, अगर सरकार उसी पर अड़ी रहेगी तो फिर समझौते की गुंजाइश कहाँ है? समझौता तो तब होगा जब दो कदम सरकार आगे बढ़ेगी, तब तो कोई दो कदम चार कदम आगे बढ़ेगी, तब तो कहा जा सकता है भी हाँ विचार किया जा सकता है। किंतु सरकार कहेगी मैं तो यहीं खड़ा हूँ, आप ही आगे पीछे करो, तो कैसे संभव होगा? सरकार की तरफ से अगर हम ओएस जवाहर यादव का जिक्र करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि क्लर्क जो है वो सीधे तौर पर लेवल 1 से लेवल 6 पर जो है वो छलांग मार रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यदि सरकार की तरफ से जो है वो 25 से 30 के बीच की कोई अमाउंट जो है वो फिक्स करके प्रस्ताव आपके समक्ष रखा जाता है, फिर क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जा सकता है? सरकार का प्रस्ताव आने के बाद ही इन सारे विषयों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये बात भी, संभावनाओं पर कुछ भी कहना ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी के लिए भी। लेकिन संभावनाएं अपने मन में मैं बनाकर बैठा रहूं, सरकार अपने मन में, उससे बात बनती नहीं। सरकार जब मुंह खोलेगी तब बात बनेगी, पहले मुंह खोले सरकार। लेकिन यदि कोई, जिस तरीके से अगर आज भी कोई समझौता जो है वो नहीं हो पाता है, कोई किसी तरीके का कॉन्सेंट जो है वो नहीं बन पाता, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रदेश के जो कामकाज हैं वो तो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, लोग सफ़र कर रहे हैं, कामकाज सफ़र कर रहे हैं, उसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं सोचने की गुंजाइश है कि आप उसके बारे में भी सोचें? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि तीनों पक्ष प्रभावित हैं। सरकार का कामकाज भी रुका हुआ है, सरकार के अधिकारी परेशान है कि नीचे से फाइलें पुटअप नहीं हो रही, वहीं पर जनता जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, जिसका लाइसेंस नहीं बन रहा, लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा, छात्रों के बस पास नहीं बन रहे, ऐसे तमाम प्रकार की कठिनाई है। दूसरी ओर, तीसरी ओर कर्मचारी भी सड़क पर बैठा है 5 जुलाई से। ये भी इनसे पूछेगा कि क्या दो बार की बैठक जिस तरीके से तेजा रही है, और मैं समझता हूँ जो नौबत आई है कि अब ये जो बैठक होने जा रही है इसमें क्या भरोसा है कि कुछ निर्णायक फैसला आ सकता है? को जब हमने ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के करनाल कार्यालय को, तो उस दिन हमको लिखित आश्वासन दिया गया था कि 4 जुलाई से पहले पहले बैठक हो जाएगी, जो नहीं हुई। अगर 4 जुलाई से पहले सरकार इस प्रकार की बैठकों का दौड़ करती जो अब कर रही है।